नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप में से कई लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे कि एनसीबी की एक बड़ी जीत हुई है। एनसीबी ने मुंबई के एक बड़े ड्रग रैकेट को पकड़ा है, जिसके बाद बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के हादसे के बाद चली इस मुहिम में एक बहुत बड़ा सक्सेस मिला है एनसीबी को, जिसमें उन्होंने अपनी अभी तक की सबसे बड़ी रेड मारकर मुंबई के बड़े ड्रग रैकेट को पकड़ लिया है। दोस्तों इसके बाद जयदेव महादेव करके एक ड्रग लॉर्ड था जो कि ये ड्रग रैकेट चला रहा था, जिसके कॉन्टैक्ट में शोविक चक्रवर्ती से लेके बड़े बड़े नामी सेलिब्रिटीज़ थे। इनसे ये सामान लेते थे और कुछ तो सामान आगे बेचा भी करते थे। अब हाल ही में पकड़े महादेव नाम के इस ड्रग लॉर्ड से काफ़ी खुलासे हो रहे हैं और इससे इंटरोगेशन की जा रही है, जिसपे ये कई बड़े बड़े नाम ले रहा है जिसके सामने आने की भी जल्दी ही उम्मीद की जा रही है। दोस्तों जो एक बात सामने निकल के आई है वो ये कि ये जब भी इस तरह के ड्रग्स की बात किया करते थे तो वो उसका नाम नहीं लिया करते थे, बल्कि उनके लिए नाम रखे हुए थे, जैसे आइसक्रीम या फिर स्टोन्स। जी हाँ दोस्तों, जैसे शोविक की कॉन्वर्सेशन में ये पता चला है कि जब वो उनसे नशीले पदार्थ मंगवाया करते थे तो उन्हें कोड वर्ड्स थे जिन्हें वो यूज़ किया करते थे और सीधा ड्रग का नाम नहीं लेते थे, ताकि अगर इनके फ़ोन भी टैप हो जाएं तो पता ना चले कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो इसके चलते ये ड्रग्स को अक्सर आइसक्रीम नाम से बुलाते थे या फिर पत्थर या स्टोन भी कहा करते थे, जिससे इनकी बातों से लगता था कि ये आइसक्रीम या स्टोन्स की बात कर रहे हैं, जबकि ये एक्चुअली में ड्रग्स की तस्करी करने में लगे होते थे, जिसके चलते अब ये चीज़ का पर्दाफाश हुआ है। दोस्तों इस पूरी मुहिम में ये बहुत बड़ी जीत है और इसमें और भी बहुत खुलासे होने की उम्मीद है। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए, मैं आपको आगे भी यूं ही अपडेट करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट नाइन लाइव से आकाश की रिपोर्ट।